सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, पुलिस ने आरोपी विभव को किया गिरफ्तार, थोड़ी देर में होगी कोर्ट में पेशी, पुलिस मांगेगी रिमांड। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में आरोपी विभव कुमार ने दायर की अग्रिम जमानत की अर्जी, 30,000 कोर्ट में थोड़ी देर में होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। गिरफ्तारी से पहले विभव कुमार ने दिल्ली पुलिस को भेजा ईमेल, कहा जांच में हर सहयोग को तैयार है, अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला, मेरी शिकायत पर संज्ञान ले पुलिस। विभव को सिविल लाइन्स थाना लेकर के आई पुलिस, थाने के बाहर हंगामा, पुलिस स्टेशन के बाहर भारी भीड़, विभव के वकील थाने के बाहर मौजूद। गिरफ्तारी पर विभव के वकील का बयान, बोले पुलिस बदतमीजी कर रही है, झूठे आरोपों की निष्पक्ष जांच हो। विभव की गिरफ्तारी पर एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा का बयान, कहा सीएम हाउस से विभव कुमार गिरफ्तार, आरोपी को शरण दे रहे थे केजरीवाल। स्वाति मालीवाल का मेडिकल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, मेडिकल रिपोर्ट में मारपीट की हुई है पुष्टि, रिपोर्ट में बाएं पैर और दाएं आंख के नीचे चोट के निशान। सीएम हाउस में लगे सीसीटीवी की फुटेज की मदद से जांच जारी है, एंट्री और एग्जिट पर लगे कैमरों का डंप लेकर के गई है दिल्ली पुलिस। सीएम हाउस से स्वाति मालीवाल का एक और वीडियो आया सामने, वीडियो में घर से बाहर निकलती दिख रही है स्वाति मालीवाल, स्वाति के साथ में महिला सुरक्षा कर्मी भी देखी गई। नए सीसीटीवी फुटेज को लेकर के आम आदमी पार्टी का स्वाति मालीवाल पर निशाना, मंत्री आतिशी ने कहा सामान्य तरीके से घर से निकली थी स्वाति, नहीं लगी थी कोई चोट। आम आदमी पार्टी का आरोप, बीजेपी के संपर्क में थी स्वाति मालीवाल, आतिशी बोली बीजेपी ने फॉर्मूले के तहत किया स्वाति का इस्तेमाल। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा विभव को केजरीवाल का संरक्षण है, कांग्रेस ने भी दिखाया आम आदमी पार्टी को आईना। बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के आरोपों को लेकर के बोले जेपी नड्डा, कहा हमने कभी स्वाति मालीवाल से बात नहीं की, ना ही हमारी पार्टी में से किसी ने उनसे बातचीत की है। स्वाति मालीवाल को लेकर के केजरीवाल की चुप्पी पर नड्डा ने उठाए सवाल, कहा महिला के साथ आपके घर घटना हुई और आप चुप रहे, केजरीवाल हर तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। स्वाति मालीवाल को लेकर के अधीर रंजन चौधरी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, मामले में आम आदमी पार्टी पर लगाया यू टर्न लेने का आरोप, कार्रवाई की मांग की। पीएम मोदी के राम मंदिर के बयान को लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का पलटवार, कहा जनता में गुस्सा पैदा करने के लिए दिया बयान, कांग्रेस ने कभी बुलडोजर का उपयोग नहीं किया, चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को घेरा, कहा सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं, बुलडोजर के कानून के बारे में नहीं पता। राम मंदिर पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बयान, कहा राम मंदिर को कोई खतरा नहीं है, बीजेपी भ्रम फैला रही है, कांग्रेस की सरकार होती तब भी मंदिर बनता। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर वार, कहा बीजेपी चुनाव हार चुकी है, काउंटडाउन शुरू हो गया, 140 सीट भी नहीं जीतेगी बीजेपी। जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर बोला हमला, राज्य की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा ममता बनर्जी की मंशा साफ नहीं है, उनकी मंशा संदिग्ध है। ममता बनर्जी पर अधीर रंजन के बयान पर खड़गे ने बोला हमला, कहा अधीर रंजन नहीं लेंगे फैसला, जो पार्टी के विचार के विरोध में होगा वो पार्टी से बाहर जाएगा। सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना, बोले जो करे पाकिस्तान की बात उन्हें वहीं भेज देना चाहिए, यहां 80 करोड़ को मुफ्त राशन जबकि पाकिस्तान खाने खाने को मोहताज। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले 4 जून को खत्म होगी जुमला सरकार, पीएम मोदी कर रहे हैं आरोपियों का चुनाव प्रचार। कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार पर हमले को लेकर के मनोज तिवारी ने कसा तंज, कहा इस तरीके का हमला वो खुद अपने आप पर करवा सकते हैं, हमले को बताया गलत। फतेहाबाद में बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर और सांसद सुभाष बराला के काफिले पर हमला हुआ, किसान संगठन से जुड़े लोग भी मौके पर मौजूद थे, मामले की जांच में जुटी पुलिस।